हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर योर यूपीएससी प्रेपरेशन हाई माई नेम इज रोहित गर्चा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यू विद ट्वेंटी फाइव ईयर एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन्यू आई ई एस विच हेज गि मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड सेलेक्शन सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज अ सेवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक एवरी वन बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक इंटरसेक्शन है बिटवीन योर गवर्नेंस एंड योर इकोनॉमी में से भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये आपका पड़ेगा एग्रीकल्चर वाला पार्ट तो सेक्टर से रिलेटेड का टॉपिक है, है ना? और जब भी से आता है तो यूपीएससी तो उसको हल्के हाथ से नहीं लेता उसको थोड़ा सा हेवी हैंड अप्रोच पे रखता है और थोड़ा सा ज्यादा पेपर में डालने के उसके चांसेस रहते हैं है तो आइए बच्चे आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं इट इज मित्रों पात माने पत्ती है ना और मित्र माने दोस्त है ना तो कुछ उस का इसका नाम है। Again, ये पढ़ने के बाद uh, नहीं लिखा है ना? तो अभी एक जूट सिंपोजियम हुआ था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने किया था वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने ये एक एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च करी है विच इज पाथ मित्र दैट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एमएसपी एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी आपका एग्रीकल्चर प्लस इकोनॉमी जहां पे इंटरसेक्ट करती है एग्रोनॉमी उसको बोल देते हैं राइट सो बेसिकली हमारी भी इंटरसेक्शन जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक की दैट इज गवर्नेंस प्लस एग्रोनॉमी राइट तो उसके इंटरसेक्शन के ऊपर आज का हमारा टॉपिक है तो जूट फार्म तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम ना थोड़ा सा जूट को पूरी तरीके से इस, इस वीडियो के अंदर शॉर्ट में समझे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है इज दैट कि वो पूछ सकते हैं जो पाथ मित्रो ऐप है ये किस क्रॉप के लिए है किसके फार्मर्स के लिए है ना कुछ बेसिक टाइप इस टाइप का सवाल आ सकता है या फिर इसके ऊपर सवाल आ सकता है कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है या फिर एक हाइब्रिड सवाल आ सकता है कि वन ऑफ ऑफ पेयर हाउ मेनी करेक्टली जिसने पात्र मित्रों के सामने टेक्सटाइल लिख दिया और दो चार जो और एप्स है हमारी है ना संकल्प हो गया ये सब हो गया कोविन कोविड ऐसे वाली जो बाकी वाली जो एप्स है उसके सामने उसकी टेक्स्ट आ, मिनिस्ट्री दियो है ना तो आपको उस तरीके का सवाल आ सकता है कि कितने सारे करेक्टली मैच है राइट

रोड um, तो मैप और ये सब चीजें जो है वो सिंपोजियम के अंदर बनती है ना तो दिस इज दैट फाइनल प्रोडक्ट लुक्स लाइक जो प्राइमरी के बाद में जो आता है जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में जाता है राइट right? जूटे so थोड़ा सा में देख लेते हैं अगेन एक येटफॉर्म uh, बनाने की वैसे इतना यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म ही होते हैं डिजाइन टू डिटेंशियल इन्फॉर्मेशन टू जूटर इम्पॉर्टेंट है रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑन एम एंड एडवांस्ड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस मतलब की खेती बाड़ी के भी इसके अंदर नुस्खे आएंगे प्लस आपका जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है कि एमएसपी क्या चल रही है जूट की तो उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आएगी आपका शायद एक और चीज अपडेट होगी कि जूट पे एमएसपी मिलती है या नहीं मिलती है इससे वो क्लियर हो जाएगा है ना हालांकि आपने लिस्ट वगैरह पढ़ रखी होगी कॉटन पे मिलती है जूट पे मिलती है किस पे मिलती है किस पे नहीं मिलती है शुगर किन पे मिलती है नहीं मिलती है राइट तो ये सारी चीजें जो है आपको इसके बाद में पता कर लेनी है कि एमएसपी कौन से कौन से क्रॉप्स को मिलती है राइट तो वो भी आपने साथ में आज देख लेना है डेवलप किसने करी करिए जेसीआई जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये भी बच्चा इंपॉर्टेंट है अगर इसके ऊपर हाइब्रिड सवाल आएगा या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे राइट स्टेटमेंट बेस्ड का मतलब कि वीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट या हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट या फिर बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट है ना तो उसके इसके अंदर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है एक्सेसिबल इन सिक्स लैंग्वेजेस एंश्योरिंग वाइड स्प्रेड यूजिबिलिटी अमंग जूट फार्मिंग कम्युनिटी मैंने यहाँ पे जानप के छह लैंग्वेजेस की लिस्ट नहीं डाली क्योंकि आप सोचिए कि जूट होता का है है ना तो उस हिसाब से आप जो लैंग्वेज है वो गैस भी कर सकते हो हाउएवर आपका टास्क है इस वीडियो के बाद में कि डू फाइंड आउट की कौन कौन सी छह लैंग्वेजेस है वो सवाल आ सकता है आइए बच्चे ऐप क्या करेगा जूट ग्रेडेशन पैरामीटर्स जो है उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि ग्रेड कैसे करना है सेंट्रिक स्कीम जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल जूट आई केयर इसके बारे में जरूर पढ़िए बच्चे हम लोग ऐसे क्लास में इसको कवर कर चुके हैं है ना उसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो हम रेगुलर क्लासेस लेते हैं राइट अभी क्योंकि वीडियो शॉर्ट होते हैं इसमें मैं पूरा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा नेक्स्ट ये वेदर फोरकास्ट भी देगा अभी ये सारी चीजें भी पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि ऑप्शन के अंदर आ सकता है कि विच ऑफ दिन करेक्ट वाले जो स्टेटमेंट होती है उसमें ये चीजें आपको देखने को मिल सकती है और इसके अंदर एक चैट बॉर्ड भी है जो आपको इमीजिएट असिस्टेंस जो है प्री प्लान तरीके से वो आपको प्रोवाइड करेगा लास्ट लास्ट लास में जाते जाते लेट मी प्रोवाइड यू विद सम इन्फॉर्मेशन कि जूट एज अ क्रॉप जूट एज अ प्लांट क्या चीज है बच्चे उसको उगने के लिए रिवॉयर्ड टेम्परेचर बिटवीन थर् ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस हो तो, से तो, तो आपको इसकी लोकेशन से भी पता लगता होगा कि कहां कहाँ पे जूट फार्मिंग होती है बच्चे राइट right? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अगर देखोगे वेस्ट बंगाल बिहार उड़ीसा असम आंध्र प्रदेश मेघालय त्रिपुरा तो वहां पे आपको लगभग ऐसा साइड टेम्परेचर देखने को मिलता है और रेनफॉल भी जो है आपको इतनी ही देखने को मिलती है

एंड ट्रेड बांग्लादेश स्टेट दीड अकाउंटिंग फॉर थ्री फोर्स ऑफ द ग्लोबल जूट एक्सपोर्ट इन टू इंडिया इंडिया लार्जस्ट प्रोड्यूसर है लेकिन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है और वेस्ट बंगाल इट इज द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट एंड इज ऑल फॉर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग दीडियो दिसवन मिनट टू द पॉइंट सीरीज फॉर योर प्रम्स एग्जामिनेशन इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर हॉलिस्टिकली फॉर योर मेन्स एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू Please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things: number one, weekly classes; number two, weekly PDFs of current affairs; number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se, jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made Current Affairs Master Course is enough. For your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.